पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 6 का लेसन नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक का सेकेंड पार्ट 3.5 यान टू फैब्रिक। देर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द यान। बहुत सारी वे होती है जहाँ पे हम लोग फैब्रिक में यान में से एक्चुअली फैब्रिक बना पाए। दो प्रोसेस की यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज अ वीविंग एंड नीटिंग। पहली बात करते हैं वीविंग। एक्टिविटी 2 में हम लोगों ने देखा कि यू माइट हैव नोटिस जो फैब्रिक है वो दो सेट्स ऑफ यान से बना है। हम लोगों ने जब यान निकाला था उसमें से तो दो सेट्स ऑफ यान होंगे, एक ऊपर और एक नीचे के डायरेक्शन में। ये जो प्रोसेस है दो सेट्स ऑफ यान को अरेंज करने की, एक साथ इसे फैब्रिक बनता है, उसको बोलते हैं वीविंग। ये हम लोग एक कुछ पेपर की स्ट्रिप्स लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 5 में देखते हैं, आपको दो शीट्स ऑफ पेपर लेने हैं डिफरेंट कलर के, उसको कट कर देना है स्क्वायर पीसेस ऑफ द लेंथ, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर फॉर ईच शीट। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू द हाफ। ऑन द वन शीट ड्रॉ अ लाइन एज शोन इन द 3.12। यहाँ पे 3.12 में आपको जहाँ पे कलर दिख रहा है, दो अलग अलग कलर की आपको स्ट्रिप्स लेनी है। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ए में दो अलग अलग कलर की एंड अदर एज शोन एन द 3.12 इन बी, और बी पे यहाँ पे आपको जो कलर दिख रही है ऐसे फोल्डिंग लगानी है। कट द बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्डेड। पहले आपको डॉटेड लाइन से उसको फोल्ड कर देना है, फिर उसको अनफोल्ड कर देना है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाई वन थ्रू द कट इन देन शीट ऑफ अ पेपर। फिर उसको एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काट लेना है। बाजू में आपको स्ट्रिप्स दिख रही होगी सी में। डी के हिसाब से शो अ पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। जब आप उसके अंदर एक स्ट्रिप्स के अंदर दूसरी स्ट्रिप्स डालोगे, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रही होगी ऐसे आपको स्ट्रिप्स काट के, फिर उस हिसाब से आपको सी में दिख रहा है उस हिसाब से आपको अरेंजमेंट डालनी है। एक पेपर स्ट्रिप्स के ऊपर दूसरी पेपर स्ट्रिप्स डालनी है एंड ये जो प्रोसेस है इसको वीविंग बोलेंगे। यहाँ पे एक जो लेडी है वो हैंडलूम्स मेथड से वीविंग कर रही है। इन अ सिमिलर वे टू सेट्स ऑफ यान आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक, और दो सेट्स ऑफ यान बनाने यूज होते हैं फैब्रिक को बनने, मतलब जब हम लोग फैब्रिक बनाते हैं तब। द यान आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स। जो यान होते हैं वो एक्चुअली और ज़्यादा थिनर होते हैं पेपर स्ट्रिप्स की कंपेरिजन में। वीविंग फैब्रिक इज डन ऑन अ लूम। यहाँ पे एक लेडी जो है वो लूम के थ्रू वो फैब्रिक को वीविंग कर रही है। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और द पावर ऑपरेटेड, या फिर वो हैंड से बना सकते हैं और पावर ऑपरेटेड होते हैं। अब बात करते हैं नीटिंग। हैव यू नोटिस हाउ द स्वेटर्स आर नीटेड। आपने स्वेटर्स को देखा होगा उसकी नीटिंग की प्रोसेस को। वहाँ पे सिंगल यान इज, यहाँ पे एक देख रहे हो आपको नीटिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है 3.14 में। इट्स यूज टू मेक अ पीस ऑफ अ फैब्रिक, और फैब्रिक बनाने के लिए एक पीस धागे का लिया जाता है। हैव यू एवर पुल द यान फ्रॉम द टॉर्न पेयर ऑफ अ सॉक्स। आपने कभी सॉक्स में से एक धागा खींच लिया होता है तो पूरा सॉक्स खुल जाता है। अ सिंगल यान गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट अनरिवल्ड। जब आप एक धागा खींच लेते हो तो क्या होता है, जब तक वो पूरा धागा निकल नहीं जाए वो सॉक्स धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा, वो फैब्रिक जो है धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा जब तक वो पूरा खुल नहीं जाए। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक। और बहुत सारे सॉक्स है और बहुत सारी क्लोथिंग आइटम होती है वो ऐसे नीटिंग फैब्रिक से बनी होती है। नीटिंग एक्चुअली हैंड और मशीन दोनों से होती है। पहली वॉन्टेड टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ अ फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ अ कोकोनट। वॉट आर दिस फाइबर नॉर्मली यूज फॉर। पहली एक्चुअली जानना चाहती है कि कोकोनट के बाहर के कवरिंग के यूज से भी कोई फैब्रिक बन सकता है क्या, और उसके यूजेस क्या है। वीविंग एंड नीटिंग बहुत ही यूजफुल है क्योंकि उसमें से बहुत अलग अलग टाइप के फैब्रिक बन सकते हैं और ये वेराइटी ऑफ क्लोथिंग बनाने के लिए यूज होता है। 3.6 हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटीरियल देखेंगे। हैव यू एवर वंडर वॉट मटीरियल पीपल यूज इन एन एंशियंट टाइम फॉर द क्लोथिंग। आपको पता है पहले के ज़माने के लोग कपड़े बनाने के लिए क्या कौन से मटीरियल यूज करते थे। इट्स अपियर दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड द बिग लीव्स ऑफ द ट्री और द एनिमल स्किन फॉर टू कवर देम सेल्फ। पहले के ज़माने के लोग जो बड़े बड़े ट्रीज होते थे उसके बार्क या फिर एनिमल की जो स्किन होती थी या उसके फर होते थे वो अपने को कवर करने के लिए यूज करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एन एग्रीकल्चर कम्युनिटी दे लर्न टू वीव द ट्विग्स एंड द ग्रास इन टू द मैट्स एंड द बास्केट। फिर धीरे धीरे वो सेटल होना स्टार्ट हो गए अर्ली ह्यूमंस, और फिर उसमें से बास्केट बनाने लगे, ग्रास बनाने लगे, ट्विग्स को वीव करने लगे, वाइन्स, एनिमल फ्लीस और द हेयर वर ट्विस्टेड टू गेदर फॉर द लॉन्ग स्ट्रेंथ्स। धीरे धीरे जो भी एनिमल है उसके हेयर है, वाइन्स है, ट्री के लंबे लंबे वाइन्स है, वो उसको ट्विस्ट करके एक लंबे लंबे स्ट्रेंथ्स मतलब धागे बनाने लगे। दिस वर वोवन इन टू द फैब्रिक, और फिर उसमें से फैब्रिक बनाया गया।
द अर्ली इंडियंस वॉर अ फैब्रिक मेड आउट ऑफ द कॉटन दैट ग्रू इन टू द रीजन नियर द रिवर गंगा. पहले के ज़माने के लोग रिवर गंगा के नज़दीक कॉटन को ग्रो करते थे और उसमें से फैब्रिक बनाते थे. फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव द नेचुरल फाइबर. पहले के ज़माने में फ्लैक्स को भी यूज़ करते थे एज अ नेचुरल फाइबर, उसमें से फैब्रिक बनाने के लिए. एंशियंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल. नाइल नदी के किनारे इजिप्ट में पहले के ज़माने में फ्लैक्स और कॉटन को साथ में ग्रो करते थे और फिर उसका यूज़ फैब्रिक को बनाने में करते थे. इन दोज डेज स्टीचिंग नहीं हुआ करती थी वो टाइम पे. पीपल जनरली उनके आजू बाजू ड्रैप करते थे, इसलिए साड़ी आई उधर से. मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वो यूज, जैसे कि टर्बन्स है सिर पे बांधने के लिए, धोती है. विद इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल्स, धीरे धीरे जब स्विंग नीडल्स जो सीलने के लिए जो नीडल्स आती है, सुई आती है, उसकी इनोवेशन हुई, पीपल स्टार्ट स्टिचिंग द फैब्रिक टू मेक द क्लोथ्स. तो लोग स्टिचिंग करना लगे फैब्रिक को और फिर उसमें से क्लोथ्स बनाने लगे. स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस देयर दिस इनोवेशंस. उसके बाद धीरे धीरे स्टिचिंग क्लोथ्स में वेरिएशन आने लगे. बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन आज भी हम लोग अनस्टिच फॉर्म में ही यूज़ करते हैं. जस्ट एज देर इज अ लार्ज वेराइटी इंडियन फूड इटन ऑल ओवर द कंट्री, वैसे ही लार्ज वेराइटी ऑफ द क्लोथ्स, फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम आज भी हमारे यहाँ अवेलेबल है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.